ये देखें, ये मासूम छोटे छोटे बच्चों की सिचुएशन है, क्योंकि बेचारे जिस गवर्नमेंट की जो सरकारी एक ट्यूबवेल है, वहाँ पे जो है छोटे छोटा बच्चा जो है वो नहला रहा है। उसके रीज़न ये है कि घर में जो है किसी किस्म का कोई पंखा नहीं है। ये देखें, बाबा जी जो है बेचारे ज़ैफुल उम्र हैं, आपके सामने सिचुएशन है, गर्मी की ये हालत है, बाबा जी के पास घर में जो है एक फ़ैन तक नहीं है, ना तो पेडिस्टल फ़ैन है और ना ही किसी किस्म का सोलर जो पंखा होता है वो भी बाबा जी के पास नहीं है। यकीनन बड़े दुख की बात है। और बाबा जी की जो बहू है वो भी साथ ठहरी हुई हैं, और बच्चे बच्चों को मैं आपको दिखा दूं, ये देखें बेचारे नहला रहे हैं, क्योंकि इन बेचारों का घर अपना नहीं है, जैसे मुजेरे बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने मेरे देखने वाले और सुनने वाले हैं, ज़ुबैर अब्बास का आदाब और सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह से खल्के खिदमत का जो हमने अपने गाँव में जो मिशन स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह से उस कोशिश में अभी भी हम जो है शदीद गर्मी के जो जून जुलाई के मंथ में भी अल्हम्दुलिल्लाह से हम उन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप लोगों की तरफ से उनकी जो भी इमदाद है, किसी भी इंसान का भला हो जाए। तो हर इंसान अपने लिए जीता है, और यकीनन हर इंसान अपने लिए जीता आ रहा है, मगर असल ज़िंदगी तो वो है जो काम आते हैं दूसरों के। मैं एक ऐसी फैमिली के पास आज आया हुआ हूँ, मैं आज आपको उनकी सिचुएशन बताता हूँ कि किस तरह से बेचारे जो है जून जुलाई की गर्मी में कैसे वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है ना? वालेकुम सलाम, ठीक है हाजी साहब? ठीक है बाबा। हाजी साहब बाला देते गलो लभाई पैवे से, क्या करो गर्मी जो है, क्या करो भाई। हाजी साहब पक्का कह नहीं कहे ना सिर्फ पक्का कहे नहीं पक आखिर इंतजार तो करन दे रहा है तो हाजी साहब से और सांस को ये पक्का को गिना दे। अच्छा, या होम एच की में रांदे पे हाजी साहब? बस ये पे है जब वक्त गुजरे है, चुका चुका मारी पे है, बस कहीं बला डाल गर्मी पक्का शक्का हाथ थाला ये वाल पर किदा हो। इमदाद नहीं थी दी पे हाजी साहब? ना कोई इमदाद नहीं थी। ओए होए बाजी, इमदाद वाले हैं कोई कोयला जी? इमदाद वाला है कोई कोयला भैया? अल्लाह अल्लाह खैर करे सी बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मासूम को क्या मसला है, छोटे बच्चे को? मसला है ओए होए, रह गए तो सहाय कहने में ठीक है। एक को क्या मसला है छोटे मासूम बच्चे को, पक्का कह नहीं थोड़ा? अच्छा, ए थोड़े हाथ का क्या है, तो समाजूरी वे बाजी जी? हाँ। होए, कौन कमांदा है वल, कौन खवेंदा थवा को? बाबा। बाबा जी खुद मजदूरी करें नहीं उम्र च? क्या काम करें दे हाजी साहब? कोई काम नहीं करता है, सज्जन कने बेकने चौक मंग पेन से घना दिया क्या काम। ये बच्चे दे कितने कितनी उम्र दा बाल है बाजी? 9-10 महीने लाए जी। हाँ, 9-10 महीने दा। ए पाँव तो बहुत कमजोर है, ये माजूर है, क्या मसला है को बीबी? बीमार थी दादा। ओए होए, कोई दवा का पता का नहीं, कोई समझ नहीं लगती कैसी शायद है को। ओए होए, ये देखें इतनी अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं कि इन बेचारों के पास तन ढांपने के लिए ना तो कपड़े हैं, और उसके साथ साथ ना ही बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए इनके पास पैसे हैं। और सबसे जो डिप्रेसिंग बात यह है कि बेचारों के घर में एक भी सीलिंग फैन नहीं है, ना तो बेचारे दिन को पंखे की हवा ले सकते हैं और ना ही रात को। सारा सारा जो है सहन में ये देखें पानी का छिड़काव किया गया है, और बच्चे जो है वो बेचारे ट्यूबवेल जब भी चलती है, क्योंकि ये सरकारी ट्यूबवेल है, इन बेचारों का अपना घर नहीं है। मेरी आप से रिक्वेस्ट है, बाबा जी ज़ैफुल उमर हैं और उसके साथ साथ मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप लोग एक सोलर प्लेट और उसके साथ साथ एक सोलर फैन जो है, एक सोलर पंखा अगर आप इन बेचारों को देते हैं, तो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। जज़ाकअल्लाह।